गुड आफ्टरनून यूट्यूब, मैं राजेश आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल ओडिया राइडर पे। सो आज से मेरे सारे वीडियोस आएंगे हिंदी पे, तो मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत खुश हैं और आराम से मतलब लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं। लॉकडाउन में तो सबका लगा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना तो एंजॉय तो करना ही पड़ेगा, क्या करें। अभी घर पर बैठ के पूरा, अभी तो ऐसा आदत हो गया, मैं ऐसा बंदा था जो कि घर पर कभी रहता ही नहीं था, 24/7 खाली घर पे सोने आता था, बाकी टाइम ऑफिस जाओ या फिर कहीं पे कभी घूमने जाओ। मैं जब भी मेरे निटी में होता था तब तो जॉब नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं कभी घर पे नहीं था। दोस्त सुबह के 6 बजे उठता था चुपचाप से और ऑफिस और दोस्त लोग के साथ घूमने निकल जाता था, फिर दोपहर को आता था खाना वाना खा के फिर शाम को निकल जाता दोस्तों के साथ बाहर घूमने। ऐसे मेरे को कभी घर में रहना पसंद ही नहीं था, तो अभी तो घर लॉकडाउन की वजह से अभी घर पे रहना पड़ता है, छोटे छोटे काम के लिए जाना पड़ता है बाहर, वो तो मैंडेटरी है, क्या कर सकते हैं। अभी मतलब घर पे नहीं रहेंगे तो तबीयत कैसा होगा। आशीष चंचलानी भाई को देखा होगा, आशीष चंचलानी के वीडियो पे, तो उन्होंने भी बहुत सफ़र किया उनके फैमिली के लिए, तो अभी सुन के अच्छा लग रहा है कि उनके फैमिली में सब कोई ठीक है। तो मतलब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग को सेफ्टी में रहना पड़ेगा। तो अभी आज है 28 तारीख, तो मैं इतने लेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैंने आपको जैसे बोला था कि मेरे ATM कार्ड पे जो फॉल्ट है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो आज 28 तारीख, तो मैं 15 तारीख को मेरे अकाउंट में ये फ्रॉड हुआ था, और क्या करें अभी इतने दिनों से फॉलोअप चल रहा था, सारा काम चल रहा था कैसे क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा लेट, उसके लिए मैं पूरा वेट कर रहा था कि सारा कुछ ख़त्म हो जाए, फिर मैं अपने मतलब व्यूअर्स को आराम से डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि कैसे क्या हुआ। और मैं आपके और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि मेरे वीडियोस पे मेरे चैनल पे मेरे को लगता नहीं था कि इतने सारे कभी सब्सक्राइबर आएंगे, मैं तो आशा भी नहीं किया था, मेरे को लगता था 100 से ज़्यादा कभी बढ़ेंगे नहीं, तो आज मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 158। तो धन्यवाद आप सबके लिए, आपके सबके प्यार के लिए और इतना प्यार देने के लिए, और आप ऐसे ही अपना प्यार मेरे पे बरसाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस में कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं नीचे। और मेरा जो सबसे अच्छा वीडियोस था, मैं आपको ये आई लिंक बटन पे दे दूंगा, मैंने उड़ीसा के एक जगह के लिए डिस्कवर किया था, जो उस जगह के लिए मतलब उड़ीसा में तो बहुत सारे, उड़ीसा में नहीं पूरा मतलब पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, मस्त मतलब इतना अच्छा प्लेस है, मैं आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। तो लेकिन क्या करें, हम लोग के गवर्नमेंट पे थोड़ा सा तो है, हम लोग को खुद से भी करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो हम लोग, मैं भी ऐसे ही बैंगलोर में भी रहता हूँ, तो मैं भी बैंगलोर में बहुत सारे प्लेसेस वैसे डिस्क्राइब मतलब डिस्कवर करने का कोशिश करूँगा और आप लोग को दिखाता रहूँगा। तो मैंने भी बहुत जगह यहाँ पे गया था, जैसे चुंची फॉल्स हुआ, टीके फॉल्स हुआ, मैं गया था, लेकिन वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरे उस टाइम पे तो उस जगह के लिए उस टाइम पे क्या हुआ था ना, मैं अपना वीडियोस बनाने का मतलब ट्राई नहीं कर रहा था, मैं पूरा बहुत टेंशन में था, जॉब स्विच करना था, जॉब कैरियर वो सब के बारे में। अभी थोड़ा जॉब जब थोड़ा स्टेबल हुआ, मैं जब थोड़ा लाइफ स्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे मैं अभी पूरा वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और आज का वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, अभी बन रहा है मेरे घर पे खाना, क्योंकि दोपहर को नहीं शाम के 4 बजे बज रहे हैं, क्योंकि ये मैं करता हूँ नाइट शिफ्ट में जॉब, मैं मॉर्निंग 7 o'clock सोता हूँ, तो सो के उठ मॉर्निंग उठने के टाइम पे बहुत लेट हो जाता है, तो खाना मेरा स्केड्यूल उसी तरफ, डे का स्केड्यूल उसी तरफ से हो गया, जैसे कि आपका मॉर्निंग 6 o'clock होता है, मेरा मॉर्निंग 2 o'clock होता है। आप 6 o'clock उठ के 6 घंटे आप नाश्ता करते हो, वैसे भी मैं 2 बजे उठ के नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ, फिर आप लंच करते हो 12 बजे, मैं लंच करता हूँ शाम को 6 बजे, तो ऐसे ही चलता रहता है मेरा लाइफ। तो क्या बताएं, तो ऐसे ही मैं पूरा अपने आप को सेट कर चुका हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आप लोग को बहुत सारे लोगों को कभी कभी टिप्स दिया करूँगा, कभी जैसे नाइट शिफ्ट में किसी को कोई तकलीफ हो रहा है कि कोई उसका तबीयत ठीक नहीं रहा, तो मेरे को पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, मैं आपको डेफिनेटली उस पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोग चाहो कि कैसे एक बंदे को नाइट शिफ्ट में सर्वाइव कर सकता है तो कैसे क्या, तो चलिए ये वीडियो का शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो को आपको पसंद आता है तो आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए,
और वीडियो पे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग टेक्निकल गुरुजी के आवाज़ के तरह, चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी टेक्निकल बात है तो टेक्निकल गुरुजी के तरीके से स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हुआ ना, 15 अगस्त को हम लोग का ये था इंडिपेंडेंस डे था। तो इंडिपेंडेंस डे में मैंने क्या किया था, हम लोग वीडियो बना रहा था, सुबह स्टार्ट किया था। तो सुबह अराउंड 7-8 o'clock को उस दिन मैं जल्दी उठ गया था, क्योंकि हम लोग का इंडिपेंडेंस डे था, हम लोग के देश के लिए इतना बड़ा बड़ी बात है। तो हम लोग के बहुत सारे मतलब महान हम लोग के फ्रीडम फाइटर्स के वजह से हम लोगों ने ये देश को इतना, हम लोग लाइफ को इतना इंजॉय कर पा रहे हैं। तो उन लोग के लिए भी मेरा नमस्कार। और तो क्या कर, उस दिन सुबह सुबह मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, जो वीडियो मैंने अपलोड भी नहीं किया। तो वीडियो बनाना स्टार्ट किया और मैं गया रेडियो ने, ताकि हम लोग जाके फ्लैग होस्टिंग कर सके और बाहर जा सके। मैं जब नहा के रेडियो के आया तो मेरे मोबाइल पे एक मैं आया था मैसेज। तो मैंने जब मैसेज चेक किया कि मेरे अकाउंट से किसी ने, मेरे ATM मैसूर से मेरे अकाउंट से एक बंदे ने 20,000 का ट्रांजेक्शन कर लिया है। तो मैंने जब देखा भाई मेरा ATM कार्ड तो मेरे पास है, मैंने ना किसी को कार्ड शेयर किया, ना कभी लाइफ में पिन शेयर किया, मेरे ATM कार्ड का पिन शेयर किया, ना OTP शेयर किया, ना अकाउंट डिटेल शेयर किया, कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि वो अकाउंट था मेरा सैलरी अकाउंट। तो अब मैंने चेंज करवा लिया दूसरे बैंक को मेरा सैलरी अकाउंट। तो ऐसा था इशू। तो अभी क्या हुआ इशू ना, मैंने जब चेक किया फिर बैंक को कॉल किया, उन्होंने बोला कि ये ट्रांजेक्शन अपने ATM कार्ड से हुआ है, तो आप इमीडिएटली, हम उन लोगों ने मेरा तुरंत ही, मैंने जब कॉल किया बैंक वालों को, तुरंत ही उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट लॉक किया। फिर मेरा जो ऑनलाइन मतलब क्या इंटरनेट बैंकिंग लॉक किया, फ़ोन बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सब मेरा उन्होंने लॉक कर दिया। जो मतलब उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बैंक वालों ने, HDFC बैंक वालों ने मेरा बहुत मदद किया, अभी तक भी वो लोग हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इमीडिएटली आप एक FIR लॉन्च कीजिए और FIR का कॉपी आपके पास रखिए और बैंक पर जाके आप रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट था सैटरडे था, तो 15 अगस्त, तो संडे को छोड़ के मंडे को मैं बैंक पे गया। तो बैंक में जाने के बाद मैंने फिर बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए, बैंक मैनेजर से बात किया, तो उन्होंने एक फॉर्म लिया। फिर वैसे करके आज मेल आया है कि आप वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, तो डॉक्यूमेंट्स मैं उन लोगों को, आप बैंक को शेयर करने के बाद वो अकाउंट मेरा, वो अमाउंट मेरा रिटर्न हो जाएगा। और फाइनली वो लोग पूरा वेरीफाई किए कि कैसा हुआ, क्या हुआ था। अभी मेरे को डिटेल बैंक, जैसे कि FIR कॉपी चाहिए, तो ऐसा सब डिटेल्स मेरे को शेयर करना है उन लोगों को। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली हुआ कैसे और आप इससे कैसे बच सकते हैं। एक्चुअली ये हुआ था एक दिन अराउंड 15 दिन पहले मतलब अराउंड अगस्त फर्स्ट या सेकेंड को मैं गया था एक दुकान पे शॉपिंग करने और बगल में सब्जी खरीदने। तो वहाँ पे था एक ATM। मैंने क्या किया, हमेशा मैं जाके चेक करता हूँ ATM में कोई स्कैमर नहीं लगा और कुछ डिटेल्स नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उस दिन मैंने हड़बड़ी में, बारिश हो रहा था, मैं साथ में अपने मैक को भी लेके गया था, तो मेरी वाइफ भी थी, तो जल्दी से निकलना था करके मैंने चेक नहीं किया और ATM से पैसा विड्रॉ कर लिया। ज़्यादा नहीं, मैंने 1,000-2,000 ही विड्रॉ किया था। फिर हम लोग आ गए घर। उस दिन क्या हुआ था, एक स्कैमर मशीन होता है, आप मैं चाहो तो आपको फोटोज दे दूंगा यहाँ पे कहीं पे। और उसको क्या होता है ना, वो स्कैमर मशीन आपके जहाँ पे कार्ड डालते हो, जो ग्रीन कलर का बॉक्स होता है ना, तो वहाँ पे उसके ऊपर हैकर्स लोग चिपका देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, सेम टू सेम लगेगा कि ओरिजिनल है। और क्या करते हैं बहुत सारे हैकर्स लोग, आपको जो कीबोर्ड होता है, आप जहाँ पे पिन टाइप करते हो, वहाँ पे वो लोग एक उनका एक कीबोर्ड चिपका देते हैं सेम टू सेम, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये बैंक का ओरिजिनल है या किसी ने चिपकाया हुआ है। जब आपका ATM कार्ड डालोगे, वो तो स्लॉट रहा, आपका कार्ड ऐसे जाएगा अंदर, जब कार्ड ऐसे जा रहा है तो कार्ड का सारा डिटेल्स वो रीड करके अपने मेमोरी में स्टोर कर लेगा वो स्कैमर। और आप जब पिन डालोगे, वो पिन को वो मॉनिटर कर लेगा। अगर आपका पिन 1234 है, आपने डाला, तो आपने कार्ड डाला, फिर आपने सिलेक्ट किया कि कौन सा ऑप्शन, फिर अमाउंट डालने से पहले आप पिन डालोगे, ठीक है,
और जैसे कि ये स्टेट बैंक में है, आप चेक करो, आप हर बटन करके चेक कर लिए, फिर आप पिन डालोगे, पिन डालने के बाद तुरंत ही आपका अमाउंट डालना पड़ेगा। तो जो हैकर लोगों को पता चल जाए कि अमाउंट डालने से पहले, अमाउंट डालने के बाद आप कुछ बटन प्रेस नहीं करने वाले, तो हैकर्स लोग को पता चल जाता है कि नहीं, ये अमाउंट प्रेस करने से पहले इन्होंने कुछ नंबर डाला था, वो था पोस्ट 123 कुछ डाला था, वो है इनका पिन। तो बाद में ये लोग क्या करते हैं, वो मेमोरी कार्ड में जो स्टोर होता है टाइम के साथ सिंक करके, आपका जो होता है स्कैमर उसको निकाल लेते हैं अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ कर, और उनके पास होता है एक रॉ कार्ड, ठीक है, वो इजीली चाइनीज वेबसाइट में मिल जाता है बहुत इजीली, और आपको ब्लैक वेब भी, डार्क वेब जो होता है उसमें भी जाने की जरूरत नहीं, डार्क वेब में तो मिल ही जाता है ये सब, स्कैमर वैमर सब इजीली मिल जाता है। एक कार्ड को स्कैमर से कॉपी कर लिया, फिर उन्होंने दूसरे बैंक के टीम से निकाल लिया पैसा। तो उससे बचना, उससे क्या कैसे किया ना, जैसे हम लोग का स्टेट बैंक का एटीएम होता है, स्टेट बैंक एटीएम में क्या होता है ना, आप जब पिन डालने वाले हो उससे पहले आप टेस्ट कर, दूसरे पिन मतलब सारा की काम कर रहा है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। लेकिन दूसरे बैंक में क्या होता है ना, आप डायरेक्ट पिन डालो, फिर अमाउंट डालो, फिर कैश विड्रॉ करो। तो उससे क्या पता चलता है ना, आप जब कार्ड डाले, अमाउंट डालने से पहले जो आपने कोड डाला था वो आपका पिन है। तो हैकर्स लोग क्या करते हैं, अपना वो स्कैमर में आपका कार्ड का डेटा स्टोर हो गया, और उनके जो कीबोर्ड या कीबोर्ड के ऊपर जो ऐसे स्लोप होता है वहां पर कैमरा लगा के उन लोग आपका पासवर्ड या पिन कॉपी कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो बाद में जाके वो स्कैमर को कंप्यूटर से जोड़ के आपका जो कार्ड बनाने का डुप्लीकेट कार्ड है वो आराम से चाइनीज वेबसाइट में फ्री में मिल जाता है, या फिर आपको वो आपको ब्लैक वेब में मिल जाता है। डार्क वेब जो होता है, जो हैकर्स लोग तो डार्क वेब तक एक्सेस करते ही है, तो डार्क वेब में जाके वो लोग वो कार्ड खरीद लेते हैं, और उससे आपका कार्ड बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं। वो एक ही कार्ड में आप लाखों कार्ड डुप्लीकेट कार्ड बना सकते हो। तो ऐसा होता है सीन। तो उससे बचेंगे कैसे, तो बचने के लिए तो पहला उपाय है, मेरा सजेशन है, तो हम लोग का जो एटीएम पॉइंट है जहाँ पे हम लोग पैसा निकालते हैं, एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन जहाँ पे लगा होता है, जहाँ पे गार्ड्स नहीं है, वो कम्प्लीटली उसको इग्नोर ही कीजिए भाई, नहीं चाहिए हम लोग। और जहाँ पे गार्ड्स है, जैसे कि देखिए मैं कहाँ से प्रीफर करूँगा जहाँ से निकालने के लिए एटीएम, तो जहाँ पे होता है हम लोग का, जैसे कि बैंक के बगल में, बहुत सारे बैंक के बगल में होता है एटीएम, और वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं, वहाँ से प्रीफर कीजिए निकालना। जहाँ पे गार्ड्स नहीं रहते उसको कम्प्लीटली कर दीजिए इग्नोर। तो हम लोग का जो होता है, जब अगर किसी को वहाँ पे जाना पड़ा, उनके घर के बहुत इमरजेंसी है और घर के अगल बगल कहीं पे वो सर एटीएम कार्ड पॉइंट नहीं है कि बैंक नहीं जा सकते वो निकाल सके, जहाँ पे गार्ड हो, तो उस सिनेरियो में क्या कीजिए ना, एटीएम कार्ड में जहाँ पे गार्ड हो यहाँ वहाँ पे भी ये कीजिए डेफिनेटली, वो चेक करना बहुत आपके सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पैसा है। तो वहाँ पे जो ग्रीन कलर का बॉक्स होता है या जो डिवाइस होता है जहाँ पे हम लोग कार्ड डालते हैं, ठीक है, वो कार्ड जहाँ पे डालते हैं उसको एक बार खींच के निकाले, अगर वहाँ पे स्कैमर लगा होगा तो वो पटक से निकल जाएगा, जोर से मत खींचेगा, वहाँ धीरे से खींचेगा वो निकल जाएगा। अगर आप देख रहे हो कि वहाँ पे जहाँ पे कीबोर्ड है तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ आपको नजर आ रहा है, कि उसके साथ टैम्पर किया गया है या वो कुछ उभरा हुआ नजर आ रहा है, तो उसको कम्प्लीटली इग्नोर कीजिए, वहाँ पे स्कैमर लगने का चांसेस है। और कहीं लोग कैमरा लगाते हैं, आपका जो एटीएम का जो वहाँ पे आप लोग ये डालते हो, नंबर पैड डालते हो, जहाँ पे पिन डालते हो, उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा चिपका देता है, और वो कैमरा क्या करता है ना, आपका रिकॉर्डिंग कर लेता है आपका पिन का। तो आप जब पिन डालो तो ऐसे हाथ रख के आप पिन टाइप करो, ताकि आपका पिन ऊपर दिखे ना कैमरा पे। तो इसी तरह आप बच सको। उस दिन बारिश के सीजन के बारिश के वजह से ऐसा सिनेरियो हो गया था जल्दबाजी में। तो कभी भी एटीएम में पैसा निकालने जाइए, कभी जल्दबाजी मत कीजिए जैसा मैंने किया था, ठीक है। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका लाइक और आपका प्यार हम लोग को आगे बढ़ने के लिए और हेल्प करेगा। तो ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो नीचे लाल कलर का बटन है तो, और वहाँ पे उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो घंटी है उसको क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए, कि ताकि उन लोग को भी सचेतन हो जाए कि उनका फ्यूचर में फ्रॉड ना हो। चलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।